नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है, पावर्ड बाय स्टील इंडिया। कृषि जागरण की तरफ से आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। वहीं सरकार की तरफ से किसानों को लाभ और हर तरह की मदद के लिए कई केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी आसानी से खेती करके अपना परिवार चला सके। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बुकिंग 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 23 अक्टूबर तक चलेगी। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी चुने जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको www.agriculture.up.gov.in पर जाना होगा। यहां जाकर यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें, लिंक पर क्लिक करें। 10,000 तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कृषि बिल आपको बुकिंग डेट से 10 दिन के अंदर ही अपलोड करना होगा। अगर आप 10 दिन के अंदर बिल अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी बुकिंग रिजेक्ट हो सकती है। ई लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। एक किसान परिवार को एक वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो यंत्रों के लिए ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड पेपर के अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्र हेतु अनुदान की अन्वयता नहीं होगी। समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 7% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40% और फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80% अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक इन फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉन्ड भी भर कर देना होगा। बेसिंग फ्लोर हेतु किसान समूह लाभार्थी होंगे, स्मॉल गोदाम हेतु व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी होंगे। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रावर निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। 10,001 से 1,00,000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि 2,500 रुपए होगी और 1,00,000 से अधिक अनुदान की कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि 5,000 रुपए होगी। फॉर्मों का मूल्य कम से कम 7% धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अगर आप 10,000 से लेकर 1,00,000 तक आर्थिक सहायता के लिए कृषि यंत्रों की बुकिंग करते हैं तो आपको 2,500 रुपए बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा, जबकि 1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए ये राशि 5,000 जमा करनी होगी। बुकिंग के समय ही किसानों को बुकिंग अमाउंट देना होगा। अगर आपका सिलेक्शन लॉटरी के माध्यम से नहीं होता है तो आपको बुकिंग अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी कृषकों द्वारा निर्धारित समय अवधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दिशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के रामा विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक पर लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।